भारत पाकिस्तान 2010 एशिया कप मैच के दौरान हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच हुई लड़ाई को खूब याद किया जाता है। इससे पहले कि हरभजन ने मोहम्मद आमिर को छक्का लगाया, इस जोड़ी ने शब्दों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि टीम अंत में रोमांचक तरीके से जीती। 2022 में टगी 20 मैच में खेले जाने वाले एशिया कप के इतिहास में शीर्ष चार सबसे यादगार भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबलों। ट्रॉफी के लिए कुल 6 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता उनके 2022 एशिया कप की 20 मैच से शुरू होती है। 2022 के एशिया कप में दो करीबी पड़ोसियों का आमना सामना होगा। भारत और पाकिस्तान तय कार्यक्रम के मुताबिक 28 अगस्त को दुबई में खेलेंगे। 1984 के बाद से भारत और पाकिस्तान एशिया कप प्रतियोगिता में 15 बार एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। भारत और पाकिस्तान ने कुल 14 मैचों में प्रतिस्पर्धा की है, जिसमें पूर्व में अधिकांश जीत हासिल हुई है। पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 8 जीते हैं। 1997 की प्रतियोगिता विफलता में समाप्त हुई। 15वां एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा। ट्रॉफी के लिए कुल 6 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 5 पुष्ट टीमें बनाते हैं। क्वालिफाइंग दौर के बाद हांगकांग, कुवैत, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से एक एक टीम प्रतियोगिता में प्रवेश करेगी। टूर्नामेंट का सबसे प्रत्याशित मैच भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगा। तो आइए जल्दी से उन शीर्ष 4 लड़ाइयों की समीक्षा करें जो दोनों पक्षों ने हाल की स्मृति में की हैं। भारत ने 2018 में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। 2018 में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने दुबई में पाकिस्तान को 8 विकेट के आसान अंतर से हराया। एक समूह संघर्ष। जैसा कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 162 रन जोड़े, केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार ने 3-3 विकेट लिए। शिखर धवन के 46 और रोहित शर्मा के 52 ने भारत को आसानी से जीतने में मदद की। भारत ने 2016 में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 27 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया था। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के पहले आउट होने के बाद विराट कोहली ने 51 रनों में 49 रन बनाकर भारत की स्थिति मजबूत कर दी, जब पाकिस्तान ने मीरपुर में टूर्नामेंट के T20 प्रारूप में पहले बल्लेबाजी की तो वे केवल 83 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने 2012 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। बांग्लादेश में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट के अंतर से हरा दिया। विराट कोहली ने 148 गेंदों में 183 रन की शानदार पारी खेली, जो अब तक का उनका सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर है, जिसने भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान द्वारा जमा किए गए 329 रनों को गिराने में मदद की। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने 1 रन बनाए और कोहली की चिलचिलाती पारी ने भारत को जीत दिलाई। 13 गेंद शेष रहते हुए और भारत 6 विकेट से आगे हो गया, उसने 22 चौके और 1 छक्का लगाया। 2010 में भारत ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। भारत पाकिस्तान 2010 एशिया कप मैच के दौरान हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच हुई लड़ाई को खूब याद किया जाता है। इससे पहले कि हरभजन ने मोहम्मद आमिर को छक्का लगाया, इस जोड़ी ने शब्दों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि टीम अंत में रोमांचक तरीके से जीती। जब पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की तो सलमान बट के 74 रनों ने टीम को 267 तक पहुँचाया। गौतम गंभीर की 83 रनों की प्रतिक्रिया और MS धोनी के 56 रनों ने भारत को 3 विकेट से जीत दिलाई।